स्टडी विद गुप्ता। आज हम करने वाले हैं हमारे ईवीएस की यूनिट 5 उसका इंट्रोडक्शन व्हाट इज डिजास्टर और एक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ इस यूनिट का नाम है डिजास्टर एंड पर्सनल सेफ्टी। ओके, डिजास्टर एंड पर्सनल सेफ्टी और ये ईवीएस का और ये पार्ट टू की बुक है। अभी टर्म तो शुरू हो चुका है, तो रेडी रहिए हमारी स्टडी टर्म टू 2022। अब हम करेंगे डिजास्टर एंड पर्सनल सेफ्टी। तो मैं मेरे मार्कर निकाल लेता हूँ। ओके, ब्लू या रेड निकालो आपकी मर्जी। ओके, ब्लू या रेड, मैं दोनों इधर ही रख लेता हूँ। हाँ, तो अब मैं कहता हूँ आपको इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, इंट्रोडक्शन नाउ स्टार्ट। ओके, नेचुरल डिजास्टर वर्कशीट वन निकाल लीजिए। SR1। ओके, डिजास्टर एंड पर्सनल सेफ्टी इंट्रोडक्शन। व्हेन नेचुरल इज इन हार्मोनी एवरीथिंग वर्क वेल इन इट रेन्स और राइट अमाउंट ड्यूरिंग मॉनसून विंड्स फ्लो गेट एंड वेदर चेंज एंड विदाउट द कॉम्पटेबल are when to the comfortable range, but sometime rain a lot more than river can carry, or sometimes does not rain. Sometimes when are very strong and can uproot trees. Sometimes have magma below the earth surface come out for crack sometime due to our ignore there are fire. तो क्या होता है, कभी कभी मॉनसून, कभी कभी नहीं, हर वक्त मॉनसून में इतनी परफेक्ट बारिश होती है कि वो मतलब अच्छे से ना वो ज्यादा रहती है ना वो कम रहती है, और मॉनसून में जो बारिश आती है वो अच्छी भी होती है। ओके, तो सारे मतलब फार्मर्स को जितना पानी लगता है उतना मिल जाता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बट कभी कभी इतनी रेन आती है कि फुल सिटी फुल स्टेट एंड फुल विलेज आर अंडर द वाटर, मतलब सारे के सारे मारे पानी के नीचे हो मतलब डूब जाएंगे। और कभी कभी तुम मतलब एक बूंद भी नहीं गिराते बादल, कभी कभी तो रोता ही नहीं है, वो इतना खुश क्यों रहता है क्या पता, एक बूंद भी नहीं गिरता है पानी कभी कभी। ओके, वो हम आगे सीखेंगे। ओके, और फिर अब समटाइम्स, ओके ये हो गया। ऑल दिस इवेंट्स कॉज ग्रेटर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड डिजास्टर। तो ये जो पॉइंट है मैं आपको इधर बोर्ड पे लिख देता हूँ, ये लर्न करने का है। ओके, मैं आपको अभी बोर्ड पे लिख देता हूँ। तो गाइस मैंने इधर मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे ये वाला ना मेन पॉइंट लिख दिया है। ऑल दिस इवेंट्स कॉज ग्रेटर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड डिजास्टर, जिससे हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज पड़ता है उसे डिजास्टर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट और वो है व्हाट इज डिजास्टर। ओके, ये सबसे पहले मैं टिक करूंगा भाई, हमारा एक पॉइंट खत्म हो गया तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन हो गया, अब हमारा व्हाट इज डिजास्टर होने वाला है। What is disaster? A disaster is a suddenly accident or a calamity that causes injury, loss of lives, or great damage to property and nature. Disaster एक ऐसा suddenly accident है जो हमारी
धरती को और नेचर को. व्हेन डिजास्टर ऑकर्स नेचुरली दे कॉल्ड आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर एंड व्हेन द ऑक्यूर टू यू टू ह्यूमन एक्शन एंड इग्नोर देम आर कॉल्ड मैन मेड डिजास्टर. जब ना मतलब डिजास्टर नेचुरली होता है उसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. मैं नेचुरल डिजास्टर का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मतलब नेचुरल डिजास्टर मतलब ज्यादा रेन आने का ये मतलब नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि रेन तो ज्यादा हम नहीं करते हैं. ओके और मैन मेड डिजास्टर जिसे कहते हैं वो है जिसे मैन डिजास्टर जो डिजास्टर मैन बनाता है उसे मैन मेड डिजास्टर कहते हैं. ओके तो और साथ के साथ आपको मैं बोल देता हूँ मैन मेड डिजास्टर का एग्जांपल है हमारा मतलब फायर. ओके बिल्डिंग और बिल्डिंग फायर बिल्डिंग पर फायर. ओके हाँ तो ये इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी लर्न द कॉज ऑफ डिजास्टर इन ऑर्डर बी अवेयर टू प्रोवाइड देम लर्निंग अबाउट देम कैन ऑल्सो टेल अस वॉट टू यू वेन द डिजास्टर हैपन सो यू कैन मिसिंग द डैमेज कॉज्ड बाय देम. तो इसको लर्न करना जरूरी है क्योंकि ये आपके साथ भी कभी ना कभी कभी डिजास्टर आ सकता है. वो सडनली एक्सीडेंट भी हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ इंजरी हो सकती है. तो इसलिए प्लीज डिजास्टर ध्यान में रखिएगा. ओके ये सीख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा इसके लिए क्या करना पड़ता है. तो मैंने जो समझाया उस पे ही ये रेड इंक वाला क्वेश्चन है. ओके फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके अब ये इधर आपको मैं लिख दिया है नाम लिख दिया है और नाम वो डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर है या नहीं ये आपको बताना है. और मैन मेड नहीं होगी तो वो नेचुरल होगा. ओके नेचुरल नहीं होगी तो वो मैन मेड होगा. तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ प्लेन क्रैश हो गया. तो ये देखिए मेरा प्लेन आ रहा है और ये क्रैश हो गया. इसमें पायलट बैठा तो वो उसके वजह से वो क्रैश हो गया. ओके तो इसे क्या कहते हैं. यस इसे हमारा मैन मेड डिजास्टर कहेंगे हम. मैन मेड डिजास्टर मैड ओहो मैन मेड डिजास्टर कहेंगे. और अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्लड भाई. फ्लड भाई हमारे इधर हाजिर हो चुके हैं. फ्लड मतलब बहुत ज्यादा रेन गिर रही है. ओके रेन गिर रही है और फिर ये मैं पूरा डूब गया. ओके और ये फुल मेरी सिटी डूब गई मेरी स्टेट डूब गया. तो इसे क्या कहेंगे. इसे फ्लड कहेंगे. और ये हमने लाया है नहीं मैन ने लाया है नहीं वो नेचुरल डिजास्टर होगा. नेचुरल लिखना है उधर से मैं तो नेचुरल लिखता हूँ. आपको जगह मिलेगी तो आप लिख लीजिए नेचुरल. ओके नेचुरल डिजास्टर. तो अब हम देखते हैं अर्थक्वेक भाई अर्थक्वेक. ओके हमने बोला अर्थ हिल जा तू अर्थक्वेक ला दे वो अर्थ हिलेगी. ओ इसने बोला मैं हिल रही हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. यस वो ऑटोमेटिकली होगा नेचुरली होगा. उसे कहेंगे नेचुरल डिजास्टर. और जो मतलब नेचुरल डिजास्टर कहेंगे अर्थक्वेक हो गया बराबर अर्थक्वेक है नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर है अर्थक्वेक होगा. नेक्स्ट है हमारा बिल्ड ऑन फायर बिल्डिंग ऑन फायर. बिल्डिंग में आग लग गई तो क्या होगा. फायर ब्रिगेड आएगी आग बुझा के निकल जाएगी. उनका काम हो गया पगार मिले निकलो. तो वैसे ही इसको बिल्डिंग पे आग नेचुरल मतलब भगवान ने लगाई है नहीं मैन ने ही लगाई है उसको कहेंगे मैन मैन और ये मेड. ओके उसको मैन मेड कहेंगे. क्वेश्चन नंबर फाइव
हवा की तरफ ट्रेन एक्सीडेंट। ओके ट्रेन कौन चलाता है? यस इंसान चलाएंगे, नेचुरल नेचुरल मतलब नेचर तो नहीं चलाएगा। ओके नेचर चलाता होगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रेन होगी। ओके बट अगर मैन ही चलाता है, अब तो मैन ही चलाता है। ओके मैन ट्रेन चलाता है। ओके ये तो मैन मेड हो गया, मतलब ये भी मैन मेड हो गया। मैन ट्रेन चलाता है, उसने एक्सीडेंट कर दिया, ट्रेन एक्सीडेंट मैन मेड डिजास्टर। तो ये भी है मैन, ये भी है मैन मेड। ओके अरे ये मार्कर नहीं है तो इससे अच्छे से लिखना नहीं आ रहा है ना। हाँ कोई मैन मेड डिजास्टर। ओके गाइस तो आज मैंने जो क्वेश्चंस आपको सिखाया है ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ओके मैं आपको अभी के अभी मेरा जो वर्कशीट बुक है वो दिखाता हूँ। ओके ये वर्कशीट है हमारी SR1 पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये आपको वो पूरे करने, ये आपको होमवर्क है और जो हमने पढ़ा उसके हार्ड वर्क जूम के उसको 5 टाइम्स लिखने हैं। तो यही आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कीजिए।